अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातोश्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तेरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्र परमागमस्य बीजम् निषिद्ध जात्यंध सिंदुर्विधानम् सकल नय विलसितानाम् विरोध मथनम् नमाम्यनेकांतम् विरोध मथनम् नमाम्यनेकांतम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना, चरणानुयोग का उत्कृष्टतम ग्रंथ। हमारी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, हमारे जीवन को सुधारने के लिए, बदलने के लिए बड़ी सुंदर चर्चाएं यहाँ की गई है। रात्रि भोजन त्याग की चर्चा चल रही थी पिछले 3 दिनों से, और येन केन प्रकारेण आचार्य देव का एकमात्र प्रयोजन है कि हम इस रात्रि भोजन रूपी विकृति से बचें, हमारे जीवन में ये रात्रि भोजन वाली विकृति निकल जाए। ये विकृति है क्योंकि रात तो रात ही है, समझ लीजिए आप, दिन और रात का जो फ़र्क है, इस फ़र्क को बतलाने की कहाँ ज़रूरत है। एक तरफ दिन और दूसरी तरफ रात। रात शब्द का प्रयोग ही अंधकार के लिए किया जाता है, रात्रि शब्द का प्रयोग ही दुखों के लिए किया जाता है। दुखों की अंधेरी रात बीत गई है, अब हुआ अरुणोदय शीतल छाव, अरुणोदय हो गया, दिन उग गया। माने दिन का उगना सबके लिए अच्छा कहा जाता है और रात्रि हो जाना दुख तकलीफ कष्टों के लिए कहा जाता है। रात्रि अंधकार का सूचक है, दिन प्रकाश का सूचक है। बोलो तो, जो काम दिन में, सारे अच्छे काम उनको दिन की उपमा दी जाती है, सारे बुरे काम, खोटे काम उनको रात्रि की उपमा दी जाती है। दिन में बहुत काम होते हैं, सब अच्छे काम होते हैं, उज्जवल काम होते हैं, रात्रि में अच्छे कार्य नहीं होते। रात्रि भोगों के लिए मानी जाती है, दिन साधना के लिए माना जाता है। पूजन दिन में की जाती है, रात्रि में पूजन नहीं की जाती। जिनेंद्र देव का व्याख्यान तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि, दिन में खिरती है, रात्रि में कभी कदाचित किसी महापुरुष का विशेष योग हो तो कदाचित हो जाए, अदरवाइज दिन में 3-3 समय तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि खिरती है। दिन सारे कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, तो भाई ये भोजन का भी जो कार्य है ये दिन में ही क्यों न कर लिया जाए, दिन में ही किया जाना चाहिए। बहुत तरह के तर्क दिए, रात्रि भोजन करने में भाव हिंसा तो है ही, रात्रि भोजन करने में द्रव्य हिंसा भी है। भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा दोनों प्रकार की हिंसा जिस भोजन के करने में हो उस भोजन को तुरंत ही त्याग देना चाहिए। देखिए इस कथन का थोड़ा त्याग के बारे में यहाँ कहते हैं, पेज नंबर है 154, 154 नंबर का पेज है, 134 नंबर का यह श्लोक है, और आचार्य देव मानो प्रेरणा दे रहे हों रात्रि भोजन के त्याग के संदर्भ में। अभी तक सिर्फ स्वरूप बतलाया है, अब यहाँ प्रेरणा देते हैं। रात्रि भोजन के त्याग को कहते हैं,
किं वा बहु प्रलपितैरिति सिद्धं यो मनोवचनकायै परिहरति रात्रिभुक्तिं सततं हिंसां स पालयति। वा माने अथवा, बहु प्रलपितैः बहुत प्रलाप से, किम क्या, ज़्यादा प्रलाप करने से क्या, ज़्यादा बातें कहने से क्या, कहाँ तक कहते रहें, कहाँ तक बात करते रहें, कितना कहें, हमें भी जितना कहना था उतना हमने रात्रि भोजन के संदर्भ में आपको कह दिया, अधिक प्रलाप से क्या। यह माने जो पुरुष मनोवचन कायै, मन वचन काय से रात्रि भुक्तिम परिहरति, रात्रि भोजन का त्याग करता है, जो व्यक्ति मन से त्याग करता है, जो व्यक्ति वचन से त्याग करता है, जो व्यक्ति काय से त्याग करता है। देखो आप कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, काय से त्याग करने वाले तो बहुत मिलेंगे, वचनों से त्याग किया या नहीं किया, वचन से त्याग करने वाले भी बहुत हो सकते हैं, मन से त्याग किया या नहीं किया। रात्रि भोजन का जिस व्यक्ति के मन में परिणाम नहीं आता, रात्रि भोजन संबंधी जिसके वचन जवान से नहीं निकलते, रात्रि भोजन जिसके जीवन में दिखाई नहीं देता, अर्थात मन वचन और काय से जो रात्रि भोजन के त्याग का पालन करता है, सह सततम अहिंसाम पालयति इति सिद्धम, वह निरंतर अहिंसा का पालन करता है, उसके अहिंसा का पालन होता है, वह जीव अहिंसक कहलाता है, अहिंसक वृत्ति को धारण करने वाला कहलाता है वह व्यक्ति। धन्य है वे जीव जो रात्रि भोजन त्याग का मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना से पालन करते हैं, करते नहीं हैं, कराते नहीं हैं, करने वालों की अनुमोदना नहीं करते हैं, करने वालों को प्रेरणा नहीं देते हैं, बार बार में उन्हें कहते नहीं शाबाश बेटा खा ले खा ले खा ले। सुनो, इस दुनिया में रात्रि भोजन का निषेध करने वाले तो बहुत मिलेंगे, सॉरी क्या कह रहा हूँ, रात्रि भोजन खाने के लिए कहने वाले, वापस सुनना बात क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इस दुनिया में, समाज में, जैन समाज में बच्चों को, आप लोगों को रात्रि भोजन खाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, और ऐसा कहने वाले भी लोग बहुत मिलेंगे, अरे यार काय को छोड़ दिया, तुम भी खाओ ना रात को, अरे बेटा ये कोई उम्र है क्या तुम्हारी छोड़ने की, अरे यार तुमने कहाँ लगा दिया यार, अरे यार पंडित जी यार आप तो खाते नहीं हो, बच्चे को भी छुड़वा दिया आपने, आप ये क्या कर रहे हो, आप ये कहाँ लग रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, ऐसा कहने वाले लोग बहुत मिलेंगे। और मैं कई बार कहता हूँ, सुनो, ऐसे सारे वचनों के बीच में आपके द्वारा जवान से निकला गया एक वचन, रात्रि भोजन नहीं करते शाबाश, रात्रि भोजन नहीं करते हम तुम्हारे भावों की अनुमोदना करते हैं, आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, हम आपके भावों की, आपकी क्रिया की, आपकी प्रवृत्ति की, आपके परिणामों की अनुमोदना करते हैं, ये बहुत बल प्रदान करता है, ये बहुत संबल प्रदान करता है। आपके द्वारा कहा गया एक वाक्य, मैं हूं ना बस इतना सा, मैं हूं ना आपके साथ में, आप क्यों चिंता करते हो, और एक वचन इस तरह का कि मैं तो आपको तकलीफ देना ही चाहता हूं, बोलो अब ये दोनों वचनों में कितना जमीन आसमान का अंतर हो गया। करो तुम जो कुछ भी तुम्हें करना हो, लेकिन जवान से कम ये बात कहो कि हमारा सपोर्ट है तुम्हारे को, ये बहुत बड़ी चीज है। आप इतना कह दिया आपने बच्चे को, नहीं बेटा कोई बात नहीं, सब तुझे मना कर रहे हैं ना, मेरा साथ है तेरे साथ में, तो दिन में भोजन करता है, शाबाश बेटा ये जैनत्व का आचरण है, तो इसका पालन दृढ़ता से करना। इस प्रशंसा में बहुत बड़ी चीज छिपी हुई है, करके तो देखो कभी। निंदा और आलोचना तो बहुत बार की है, लेकिन आपकी निंदा और आलोचना तब बर्दाश्त की जा सकती है जब प्रशंसा भी करते हो, लेकिन निंदा तो हजार बार की और प्रशंसा कभी नहीं करते हो, और एक व्यक्ति कभी आलोचना करता है और कभी प्रशंसा करता है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो आलोचना है, इस आलोचना में आलोचना को पकड़ करके बैठ जाओ आप, वो हावी हो जाती है बच्चे के ऊपर, इतनी सी बात हावी हो जाती है। चार लोग मिलकर के उसे कहें शाबाश बेटा, और तीन लोग यदि मिलकर के ये बात कहें कि रात्रि भोजन करना अच्छा है, उसके दिमाग में रात्रि भोजन करने की ज्यादा वो फर्क पड़ेगा। बड़ी चीज है, मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूं, थोड़ा एक बार गंभीरता से विचार करना इस चीज के बारे में। गलत रास्ते पर जाने के लिए, गलत बातों को बताने के लिए, गलत बातों को सिखाने के लिए, गलत बातों को समझाने के लिए, गलत बातें जल्दी ग्रहण कर ली जाती है और अच्छाइयां जल्दी दिमाग में घुसती नहीं है।
ये मनुष्य का नेचर इस तरह का होता है, पूरे दुनिया भर में ऐसा नेचर है। रात्रि भोजन जो लोग करते हैं उन्हें किसी ने रात्रि भोजन की प्रेरणा दी नहीं है, सहज ही प्रेरित हो गए रात्रि भोजन के लिए, और दिन में भोजन करने की बार बार प्रेरणा देने के बावजूद भी दिन में भोजन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। इसका मतलब यह है कि यह जीव कहता तो है गुणग्राही बनना चाहिए लेकिन गुणग्राही बनता नहीं है, गुणग्राहीपना इसके जीवन में दिखाई देता नहीं है। यहां आचार्य देव प्रशंसा कर रहे हैं, देखो आप सीखो आचार्य देव से कुछ, जो व्यक्ति मन वचन काय से, जो व्यक्ति मन वचन काय से रात्रि भोजन का त्याग करता है वह निरंतर अहिंसा व्रत का पालन करता है। ओह हम अनुमोदना कर रहे हैं, आप अहिंसा व्रत का पालन कर रहे हो, आपके अहिंसा व्रत का पालन हो रहा है, हम अनुमोदना कर रहे हैं आपके अहिंसा व्रत की, हम अनुमोदना कर रहे हैं। बोलो भावार्थ पढ़ो, भावार्थ देखो क्या कह रहे हैं। रात्रि भोजन करने में और रात में भोजन बनाने में, ओहो करने में और बनाने में, आप समझ रहे हैं क्या है स्थिति। कई माताएं बहनें ऐसी होंगी जो ये कहती होंगी कि हम करते तो नहीं है पंडित जी लेकिन क्या करें, हमें बनाना पड़ता है, एक एक जैसा है, क्या करें, हम आपकी परिस्थितियां तो नहीं सुधार सकते लेकिन हम तो आगाह कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं सो सोचिए क्या बात हो सकती है। रात्रि भोजन करने में और रात में भोजन बनाने में, करने में और बनाने में सदैव हिंसा है। रात्रि में भोजन करने की अपेक्षा, ओहो आगे तो कुछ खतरनाक बात कह दी है, रात्रि भोजन करने की अपेक्षा रात्रि में भोजन बनाने में बहुत अधिक हिंसा होती है। लो करने की अपेक्षा बनाने में ज्यादा हिंसाएं, आप समझ रहे हैं क्या कह दिया है। ये कह रहे हैं रात में भोजन करना नहीं और रात्रि में बना हुआ भोजन, क्या रात्रि में बना हुआ भोजन दिन में भी नहीं करना। पॉइंट समझ में आ रहा है आपके, क्या कह रहे हैं, रात्रि में भोजन करना नहीं लेकिन रात्रि में भोजन करने से ज्यादा पाप लगता है रात्रि में बना हुआ भोजन दिन में कर लेने में। क्या बात कर रहे हो, रात्रि में बना गया बना हुआ भोजन दिन में करने में, हाँ जी क्योंकि रात्रि में बने हुए भोजन में ज्यादा हिंसा है, रात्रि में बने हुए भोजन में जीवों की उत्पत्ति ज्यादा हुई थी, जीव उसमें ज्यादा आकर्षित होकर के गिर गए थे, जीवों की विराधना ज्यादा हुई थी, रात्रि का भोजन तो मांस है ऐसा कहती है जिनवाणी। रात्रि में बना हुआ भोजन, रात्रि में जो कढ़ाई चली थी ना, रात्रि में जो गैस जली थी, रात्रि में जो भट्टी जली थी, रात में जो शादी विवाह के प्रसंगों के ऊपर मिठाइयां बनी थी, पकवान बने थे, रात को जो बने हैं, रात्रि गुजर गई है भाई साहब, वो ज्यादा खतरनाक है, वो सब्जियां खाने योग्य नहीं है जिनके ऊपर रात्रि गुजर गई है। सुबह का भोजन शाम को खाओ तो चलेगा लेकिन यदि रात्रि फिर गई है तो फिर वो रोटी अभक्ष्य हो जाती है, ऐसा जिनवाणी कहती है। बोलो सुबह का बना हुआ भोजन शाम को खाएं आप तो कोई दिक्कत नहीं है, और शाम का बना हुआ भोजन दूसरे दिन खाएं आप, रात्रि गुजर गई, रात्रि बीत गई, तो जिनवाणी रात्रि के बीत जाने पर उसे अभक्ष्य की श्रेणी में रख देती है। रात तो रात है, फिर रात का साया, रात का साया ये खतरनाक चीज है, रात्रि का वो नहीं होना चाहिए, माने रात रात का समय मतलब माथे पर कोई प्रभाव पड़ गया है। आप जानते हैं रात को क्या कहते हैं, अंधकार कहते हैं, अंधकार, तमस, तमस। ये जो अन्य मतावलंबियों में कई तरह की चर्चाएं करते हैं, आपने ये तीन गुण पढ़े होंगे सांख्य मतावलंबियों के, बहुत जगह समाज में भी चलते हैं, गीता में भी निरूपण करते हैं, सांख्य दर्शन वाले भी कहते हैं सत्व रजस तमो गुण, सुनेंगे कभी आपने, कई लोगों के पड़ोस में चलता है, कई जगह पर चलता है, सत्व गुण, राजसिक गुण, तमो गुण, सात्विक, राजसिक। तो जो सात्विक गुण हैं ये स्वाभाविक कहलाता है, सरलता जहाँ है वो सात्विक है, राजसिक और तामसिक, भोजन तीन प्रकार का कह दिया गया, नॉर्मल जो आहार है उसे सात्विक भोजन कहा गया है,
जो गरिष्ठ भोजन है, जो स्वास्थ्य बिगाड़ने वाला है, उसे राजसिक भोजन कहा है, छप्पन भोग जिसे कहते हैं, और जो अंधकार पैदा करने वाला हो उसे तामसिक भोजन कहा गया है। आप जानते हैं तामसिक भोजन क्या है? तामसिक भोजन का एक अर्थ किया जाता है रात्रि अंधकार। ये जो आलू वगैरह हैं, जमीकंद जिन्हें हम लोग कहते हैं, इन जमीकंद वाले पदार्थों को तामसिक भोजन कहते हैं इन्हें, इनका सेवन करना। क्यों? क्योंकि ये अंडरग्राउंड पैदा होते हैं। अंडरग्राउंड में जिस जगह पर ये जन्म लेते हैं, जिस जगह पर ये पैदा होते हैं, वहां सनलाइट नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है। इसका मतलब आलू जिस जगह पर जमीन में अंडरग्राउंड पैदा हो रहा है, उस जगह पर अंधकार है, अंधेरा है उस जगह पर बहुत, और अंधेरे में पैदा होने के कारण वो तमस में उत्पन्न होने से वो आहार तामसिक आहार कहलाता है। ख्याल में आ रही है बात? जो आलू है, जो जमीकंद पदार्थ हैं, जो गाजर है, जो मूली है, ऐसे जो और शकरकंदी हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अंधकार में पैदा हो रही है, इसलिए तमस कहलाती है। तो तमस में जो भोजन जन्म लिया, तमस में जिस पदार्थ ने जन्म लिया, वो भोजन, वो पदार्थ तामसिक आहार कहलाया। अब एक तो वो हो गया तामसिक, दूसरा लगाओ, अब तमस में जो भोजन बनाया गया, तमस माने अंधकार, रात्रि में बनाया ना, तो रात्रि में जो भोजन बनाया गया वो भोजन भी तामसिक हो गया, और रात्रि में जो भोजन खाया गया क्या, वो भी तामसिक कहलाया गया। बोलो। तो इसलिए सब जगह पर रात्रि के निषेध की चर्चाएं हैं, बहुत जगह पर हैं। क्या कोई बात और दिमाग में आती है, कहीं उछलेगी अभी तो फिर और तुम्हारे को और कुछ बात बतला दूंगा, कोई कहने का कोई विकल्प आएगा तो। लेकिन मोटा मोटा इतना तो समझ में आ गई होगी बात कि ये रात्रि अच्छी नहीं है, सनलाइट अच्छी है। बस कुछ चीजें ऐसी भी होती है, जैसे मूंगफली है, अदरक है, क्या ले, ये भी तामसिक है। यदि गीली हो तो ये सूख जाने के बाद कवर से बिल्कुल अलग हो जाती है मूंगफली, उसकी गुली जो होती है ना अंदर, वो गुली बिल्कुल उसके कवर से छूट करके अलग हो जाती है। जो अदरक है वो अभक्ष्य है, हल्दी है यदि वो गीली है तो वो अभक्ष्य है, लेकिन यदि वो सूख गई है तो वो लकड़ी हो गई है, काष्ठवत हो गई है, वो सेवन करने योग्य है। इसी तरह से जो मैंने क्या बात कही, अदरक की बात कही, अदरक जब सूख जाती है तो वो सौंठ बन जाती है, आयुर्वेद में उसे सुखा करके सौंठ के रूप में काम में लिया जाता है, दवाओं में काम में लिया जाता है, भोजन आदि के अंदर उनका प्रयोग किया जाता है, तो वो उपयुक्त है। इसका कोई सहारा लेकर के यह बात कहे कि ये जो आलू प्याज ये हैं, ये इनको भी सुखा करके ले लेवें, चिप्स बना करके ले लेवें, सो योग्य नहीं है। देखिए अभी अपना प्रकरण रात्रि भोजन का है, इस मैटर को रात्रि तक ही सीमित रखें, आगे आएगा प्रकरण, जब अवक्ष्य पदार्थों की चर्चा और आगे चल करके करेंगे तब इनकी चर्चाएं आएगी, तब और देखेंगे क्या खाने योग्य है और क्या नहीं खाने योग्य है, किस में कितना दोष लगता है। यहां तो आचार्य देव ने एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे दिया। क्या एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे दिया आचार्य देव ने? आचार्य देव ने यह दे दिया कि भैया आप रात्रि भोजन का मन वचन का ऐसे त्याग करते हैं, धन्य हैं आप, आपने रात्रि भोजन का मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से त्याग किया है, धन्य हैं आप, हम अनुमोदना करते हैं, आप निरंतर अहिंसा व्रत का पालन करने वाले हैं। ओहो, आप अहिंसा व्रत का पालन करने वाले हैं। रात्रि भोजन करने में और रात में भोजन बनाने में सदैव हिंसा है, करने में भी और बनाने में भी। रात्रि में भोजन करने की अपेक्षा, रात्रि में भोजन करने की अपेक्षा रात्रि में भोजन बनाने में अधिक हिंसा होती है। इसलिए आपके हस्बैंड, आपके फादर, आपके पुत्र रात को आकर के खाना खाते हैं और आप उनके लिए रात्रि में बनाते हैं, तो खाने वाले को कम पाप लग रहा है, बनाने वाले को ज़्यादा पाप लग रहा है, ये बात आचार्य देव कहना चाह रहे हैं। लो उल्टा ही हो गया, हम तो दिन में भोजन कर लिए थे, अब बच्चे के लिए बनाने में क्या हो गया, क्या क्या करें। रात्रि भोजन बनाने में बहुत अधिक हिंसा होती है, इसलिए अहिंसा व्रत पालन करने वाले को, क्या
अहिंसा व्रत पालन करने वाले को प्रथम ही इसका त्याग करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप पर इसका त्याग करो। महाभारत की जो मैंने लाइन बतलाई थी, प्रथमम रात्रि भोजनम, रात्रि भोजन फर्स्ट नंबर पर त्याग करने योग्य। आगे परिस्त्री सेवन वगैरह की चर्चा की उन्होंने, और पापों की चार पाप बतलाए उन्होंने, नरक जाने के दरवाजे बतलाए, और उनमें पहला दरवाजा कहा रात्रि भोजन। मैंने क्या सोच करके लिखा होगा, सबसे पहला दरवाजा प्रथमम रात्रि भोजनम, नरक का द्वार है, दरवाजा है, रात्रि भोजन करने कराने वाले दरवाजे पर खड़े हुए हैं। कौन से दरवाजे पर? इसके बाद में इनकी एंट्री हो रही है नरक की तरफ, नरक में एंट्री हो रही है। क्या करें भाई साहब, घर में झगड़ा हो जाएगा, आपकी आप निपटें, क्या बतलाएं, हमें तो आगाह करना जरूरी था। अब आप कितना शांति से इस मैटर को सुलझा सकते हैं ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। आप प्यार से समझाइए, आप दिन में भोजन करने के लिए प्रेरित कीजिए। आप यदि डांट धमका करके समझाएंगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ऐसा समझ लीजिएगा आप। प्यार से समझाएंगे तो समझ में आने के चांस हैं, विनम्रता से बात करेंगे तो समझ में आने के चांस हैं, लेकिन हमेशा सर पर चढ़ करके सवार होकर के समझाने की कोशिश करेंगे दुनिया में कोई नहीं समझेगा। प्यार से समझाइए, विनम्रता से समझाइए, अपनी बात कहिए। ऐसा नहीं हो सकता मैं दिन में बना करके रख दूं, मैं रात को बनाना नहीं चाहती, मैं रात को खिलाना नहीं चाहती, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो आप प्यार से करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, जहाँ चाह है वहाँ राह है, सीधी सी बात है। आप यदि चाहेंगे, आपके मन में यदि दृढ़ता होगी, विश्वास होगा, तो कहीं ना कहीं आपसे आप पाप से बच पाएंगे। फिर भी जितना भी हो सके कषायों से बचना प्रमुख है, आप उसे ध्यान में रख करके ही जो भी आपको डिसीजन लेने हो सो अपने आधार पर लेवें। खास तौर से पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान दीजिए, ध्यान दिला रहे हैं आचार्य देव कुछ। खास तौर से बाजार के बने हुए पदार्थों का तो बिल्कुल ही त्याग करना चाहिए। मैं क्या करूं, लिख रहे हैं आचार्य देव, हमारे तो त्याग है भैया, पिछले 10-12 सालों से हमारे तो त्याग है बाजार की बनी हुई चीज़ों के। अब हम तो आपकी बात कर रहे हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आचार्य देव यहाँ दिशा निर्देश दे रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि कभी चॉकलेट के अंदर छिपकली निकलती है, कभी किसी में कुछ निकलता है, कभी किसी पाउच के अंदर छिपकली की पूंछ निकलती है, कभी किसी में क्या होता है, कभी बाजार की कोई चीज़ आती है उसके अंदर कोई मिलावट निकलती है, रोजाना खाद्य पदार्थों के अंदर छापे पड़ रहे हैं, आए दिन मिलावट 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 दिखाई दे रही है। बाजार की चीज़ें कब बनती है, कौन सी समय बनती है? अरे घर में बनाई थी तो कम से कम आपको पता तो है कि क्या चीज़ मिलाई थी, क्या चीज़ बनाई थी। आए दिन इस तरह के वीडियो आते हैं, अपना पसीना पहुंचता रहता है और बनाता रहता है, टप 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 पसीने उसके अंदर चलते रहते हैं। ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं जिनके अंदर पैरों से गूंथते रहते हैं, पैरों से बनाते रहते हैं, उनकी शक्ल देख लो तो आप खाना पसंद नहीं करो, वोमिटिंग कर दो आप, ऐसी हालत है। कहां तक बतलाएं आपको ये बाजार की चीजों के संदर्भ में? एक वाक्य इन्होंने कह दिया, खास तौर से, क्योंकि बाजार की चीजें 99% रात्रि में बनती है, रात को बनती है, कढ़ाइयाँ चलती है, भट्टी लगती है, रात को लगते हैं सारे सब, देर रात तक 12-1 बजे तक बनती रहती है, 2 बजे तक बनती रहती है, और वो बन करके सब तैयार होकर के सामने आती है, लोग खाते रहते हैं, क्या करें। वीकेंड में बाहर खाने का रिवाज है, रिवाज है क्या? हमारे तो घर में किसी को पसंद नहीं है, तभी तो छोड़ा हमने। देखो क्या, खास तौर से बाजार के बने हुए पदार्थों का तो बिल्कुल ही, इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ही त्याग करना चाहिए। लेकिन भाई देखो, फिर मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मेरी बात सुनकर के, मेरी वाणी सुनकर के तत्काल त्याग मत करना, ये मेरा रिकमेंडेशन है। भावुकता में आकर के मत करना, और जो कुछ भी करो उसका दृढ़ता से पालन करना। जो भी नियम लो उसमें क्या क्या बातें हो सकती है उसको आगे पीछे के बारे में विचार करना। अभी सुना और अभी त्याग कर दिया एकदम झटके से, भैया पहले योजना बना लो, पहले प्लानिंग बना लो, कब त्याग करूंगा, कितना त्याग करूंगा, कितने समय के लिए त्याग करूंगा, त्याग करूंगा तो उसमें क्या चीज लूंगा, क्या चीज नहीं लूंगा, क्या परिस्थिति बन जाएगी, ऐसी परिस्थिति बन जाएगी तब क्या होगा, सारी बातों के बारे में विचार कर लो। जीवन भर के लिए करने की तुलना में 1 महीने का त्याग करके देखो, फॉलो करो। जिन लोगों ने त्याग किया हो उनकी लाइफ को देखो, क्योंकि टोडरमल जी का एक दिशा निर्देश है हमारे पास में, उसमें वो कहते हैं प्रतिज्ञा करने के बाद परिणाम उत्तर उत्तर चढ़ते हुए होने चाहिए। प्रतिज्ञा के प्रति वीराधना का भाव नहीं आना चाहिए।
आपने रात्रि भोजन का यदि त्याग कर दिया, रात्रि में जल अन्न खाने पीने सबका त्याग कर दिया और थोड़े दिन बाद में आपके कंठ सूखने लग गए और तक रहे यार कहाँ फंस गया मैं भी, यार कहाँ त्याग कर दिया मैंने, सुनो भैया ऐसा नहीं। प्रतिज्ञा के प्रति विराधना का भाव नहीं आए, प्रतिज्ञा के प्रति बहुमान का भाव आए। जो मैंने नियम लिया है उसमें प्रसन्नता होवे, उसमें खुशी होवे, उसमें आनंद आए हमारे को, तब तो उस प्रतिज्ञा की सार्थकता है। और आप ये रोजाना सर पकड़ो यार कहाँ फंस गया यार मैं भी, यार अच्छी मुसीबत में आ गया, कहाँ मुसीबत में फंस गया मेरा, यार कौन सी घड़ी में उनका प्रवचन सुना था मैंने तो त्याग कर दिया, अब क्या करूँ, निभाऊँ कि नहीं निभाऊँ, ऐसा वैसा, फिर तीन चार गलियाँ निकालेगा, उसके अंदर ऑप्शन निकालेगा, कुछ नहीं चलेगा। जो करना है प्रतिज्ञा लेते समय करना, बाद में यदि आपने उस प्रतिज्ञा में कुछ भी फेर बदल करने की चेष्टा की तो आप समझ लीजिए सब जीरो हो गया है और महापाप लगेगा। टोटरमल जी कहते हैं प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप लगता है। हर समय उत्साह बढ़ते हुए होना चाहिए प्रतिज्ञा के प्रति। ओ बहुत अच्छा, स्वाध्याय की प्रतिज्ञा ली है, मजा आ गया, मैंने इसका त्याग किया, अरे जब से त्याग किया बहुत जीवन आनंदमय हो गया है, बहुत विकल्पों से बच गया हूँ, बहुत जंजालों से छूट गया हूँ, ये ऐसा ऐसा भाव बनना चाहिए हमारा, ऐसे आनंद आने चाहिए अंदर से। आता है ऐसा आनंद आपको त्याग करने के बाद में? यदि आनंद आता है तो समझ लेना प्रतिज्ञा सार्थक है। और मन में यदि खोटे परिणाम आने लगते हैं, लोग करते हैं दस लक्षण में जो लोग त्याग करते हैं, बाधवे में जो लोग त्याग करते हैं, बाधवे के बाद ऐसे टूटते हैं जैसे वो रुके हुए नाला, छत का नाला रुक गया हो और पानी भरा हुआ हो, वो कपड़ा हटाने पर एकदम नाला बहता है ना जिस तरह से, ऐसी हालत दिखाई देती है दस लक्षण बाधवे के बाद में लोगों की, ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे साल भर के भूखे हों, जैसे जन्मों से कभी खाया नहीं हो, ऐसी हालत दिखती है। तो ऐसा तो नहीं है, जो प्रतिज्ञा ली थी उसके प्रति इतना विराधना का भाव, इतने फंसे हुए थे, इतना तकलीफ पा रहे थे, ऐसी फीलिंग हो रही थी कि कब मौका मिले, एक दिन और, बस एक दिन और, बस एक दिन और त्याग है, दो दिन और उसके बाद तो जम के खाऊंगा, तो तेरे तो त्याग करते करते भी खाने खाने की लालसा बैठी हुई है। रात्रि भोजन का त्याग करते करते भी परिणामों में यही आ रहा है निरंतर, कब करूंगा, अब बस बस तीन दिन और खत्म, फिर तो मजे, फिर तो चलेंगे होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तीन दिन और है फिर तो आलू चाट पकौड़ी खाऊंगा। क्या हो रहा है भैया, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है दिमाग में भैया, बहुत बहुत जो है ना ये चीज क्या रुंधायली कसाय गुजराती में कहते हैं ऐसा है? रुंधायली मतलब क्या कहते हैं उसको, वो दबी हुई छिपी हुई वो कसाय है अंदर गहराई में बैठी हुई है, चलिए स्प्रिंग की तरह उछलता है, बढ़िया बात है। देखो भाई खास तौर पर त्याग करने के लिए मैंने आपको यहाँ प्रेरणा दी है और साथ में मैंने यह भी कहा है कि अपने परिणामों को संभाल करके आप उसकी प्रतिज्ञा लेना। आपने जितना त्याग किया है उतना दृढ़ता से निभाना, जितना आपने दृढ़ता से त्याग किया है हम उसकी जरूर अनुमोदना करेंगे। कोई व्यक्ति रात को ये कहता है कि साहब हम 8 बजे बाद में नहीं खाएंगे, कोई कहता है रात को 9 बजे बाद में नहीं खाएंगे, फिर हमसे पूछता है हे पंडित जी आप बताओ आपका क्या कहना है, रात को 9 बजे बाद में हमने त्याग कर दिया है, अब अच्छा किया कि नहीं किया, हम क्या कहेंगे बोलो। सुनो हम ये तो कह सकते हैं आपको कि चलो अच्छा है, जितना किया उतना अच्छा है, लेकिन हमारे इस वाक्य का कोई यह अर्थ नहीं निकाल लेवे कि पंडित जी ने 9 बजे तक खाने की परमिशन दे दी है, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते। दोनों वाक्यों में फर्क है। आप रात को 9 बजे बाद में आपने खाने का त्याग किया, रात्रि 8 बजे बाद में आपने खाने का त्याग किया, रात को 10 बजे आप बाद में आपने पानी पीने का त्याग किया, हम आपके उन परिणामों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाना चाहिए कि हमने 10 बजे तक पानी पीने की आपको अनुमोदना की है। निंदनीय तो वो भी है, त्याज्य तो वो भी है, छोड़ने योग्य तो वो भी है, प्रशंसनीय तो वो भी नहीं है। दोनों चीजों में फर्क हो गया कि नहीं? इसलिए निभती जान निभाइए, जगह जगह प्रतिज्ञाओं के संदर्भ में जहां जहां चर्चा जिनवाणी में की गई है हमेशा ये बात कही है निभती जान निभाइए, जितनी निभा सकें, जितना पालन कर सकें, जितना आपसे संभव हो सके उतना आप निभाइए, बस निभती जान निभाइए और घटती जान घटाइए, आसक्ति आसक्ति जितनी घटती जानो उतना घटाते चले जाओ, ऐसा होना चाहिए। अब
मैंने एक दिन शायद पहले कही थी बात आपसे, चाट पकौड़ी सब चीज़ें खाता है, मेवा मिष्ठान खाता है और कहता है कि अन्न नहीं खाता मैं तो। अब बोलो हम ऐसे विभाजन, सच में मैं मेरी अपेक्षा से यदि बात करूं तो मुझे इस तरह का चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, व्यक्तिगत बात कह रहा हूं। और ये व्यक्तिगत बात में कहीं ना कहीं जिनवाणी का पुट है। जिनवाणी का पुट इसलिए है कि हमने शास्त्र में कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि रात को अन्न का त्याग कर देना चाहिए और बिना अन्न की चीज खा लेनी चाहिए, ऐसी बात हमने शास्त्र में कहीं नहीं पढ़ी। रात्रि भोजन त्याग, बस सीधी सी बात है। अब आपने उसके अंदर जो क्राइटेरिया बना लिए हैं, जो भी आपने क्राइटेरिया बना लिए हैं, वो क्राइटेरिया किस बेस पर बनाए मुझे समझ में नहीं आता। अन्न छोड़ दिया, अरे अन्न और बिना अन्न का सवाल क्या है यहां? आप ये कहिए ना, खाने की चीज नहीं खाऊंगा, पीने की चीज अलाउ रहेगी, तो ये बंटवारा तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि खाद्य स्वाद्य लेय पेय चार प्रकार के आहार शास्त्रों में कहे हैं। खाद्य भी है, खाने की चीज है, पेय पीने की चीज है, स्वाद्य और लेय चार तरह की चीजें हैं। अब चार में से आपने खाद्य का त्याग किया है, खाद्य और पेय दो का त्याग किया है, या स्वाद्य और लेय इनका भी त्याग किया है? भाई आहार तो चार तरह के कहे हैं हमारे यहां शास्त्रों में। अब चार प्रकार के आहार का त्याग क्या, ये जो करते हैं ना अपने चौ यार, माने चार प्रकार के आहार का त्याग रात्रि में, उसका नाम है चौबिहार। चार प्रकार के आहार का त्याग दृढ़ता से, वो चौबिहार कहलाता है। उसमें खाना भी नहीं होगा, उसमें पीना भी नहीं होगा, पानी पीना भी नहीं होगा उसके अंदर, उसमें आपके ले पे भी नहीं होगा, उसमें खाद्य स्वाद्य भी नहीं होगा उसमें। तो ये चार प्रकार के आहार का त्याग ये चौबिहार कहलाता है। अब आपने कितना त्याग किया है, कौन सी चीज का त्याग किया है, ये विचार विवेक पूर्वक त्याग करें। ये त्याग की प्रेरणा दे रहे हैं यहां पर, और खास तौर पर बाजार की बात कह दी, क्योंकि इन्होंने ये कह दिया रात्रि में बनी हुई चीज में ज्यादा दोष लगता है। दूध तो पेय है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, भावार्थ पढ़ रहे थे, खास तौर से बाजार के बने हुए पदार्थों का तो बिल्कुल ही त्याग कर देना चाहिए। रिकमेंडेशन है, आपके जैसे जैसा कीजिए, है ना, संभल करके करना, लेकिन जो भी आपको त्याग करना हो, बाजार का भी त्याग करें तो उसमें भी बहुत विचार विवेक रखें। बाजार माने बाजार का क्या, बिल्कुल आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए आपके द्वारा किए गए त्याग के बारे में। गाइडलाइन आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होनी चाहिए, बाजार माने बाजार का क्या। बाजार में गेहूं भी मिलते हैं, बाजार में दालें भी मिलती है, बाजार में मसाले भी मिलते हैं, बाजार में चाट पकौड़ी भी मिलती है, बाजार में कचौरी नमकीन भी मिलती है, बाजार में मिठाइयां भी मिलती है। बाजार माने बाजार का क्या, कितनी मात्रा में बाजार का, कौन सी चीज लेना और कौन सी चीज नहीं लेना, कितने मात्रा में बनी हुई लेना, कितनी मात्रा में नहीं बनी हुई लेना, रॉ मटेरियल यूज में लेना कि नहीं लेना, सब चीजों के बारे में जब तक पिक्चर क्लियर नहीं हो तब तक त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए पूरी गाइडलाइन अपने दिमाग में सेट करके ही आप त्याग करें। त्याग की भावना अवश्य रखें, क्योंकि त्याग भावना ही ये मनुष्य जीवन में, मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाती है। क्या, त्याग भावना श्रेष्ठ बनाती है, इसलिए त्याग की भावना मनुष्य के जीवन में होनी ही चाहिए। ठीक है, वास्तव में आगे तीन लाइनें और बची है नीचे, फिर नया श्लोक पढ़ेंगे। वास्तव में रात्रि भोजन के त्याग बिना अहिंसा व्रत की सिद्धि होती ही नहीं है। हम तो अहिंसक हैं, हमारा तो जीवन अहिंसक है, हम तो अहिंसा का पालन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं रात्रि भोजन के त्याग बिना अहिंसा व्रत की सिद्धि होती ही नहीं। इसलिए कोई आचार्य तो इसे अणुव्रत में गर्भित करते हैं। ओहो, अणुव्रतों में गर्भित करते हैं, अणुव्रत बतलाएं, पांच अणुव्रत, और कोई कोई आचार्य तो इसे मूल गुणों में शामिल करते हैं। मालूम है आपको, हमने पहले जब अष्टमूल गुणों की चर्चा की थी ना अपने इसी पुस्तक में, जब अपने अष्टमूल गुणों की चर्चा चल रही थी तब हमने बतलाया था अलग अलग आचार्यों के प्रमाण अनुसार काल क्रमानुसार अलग अलग प्रकार से चर्चाएं की है श्रावक के अष्टमूल गुणों के संदर्भ में। सबसे स्थूल रीति से पालन करने में कहा है मध्य मांस मधु और पंच उदंबर फलों का त्याग, लेकिन पंच उदंबर फलों को एक में शामिल कर लिया जाता है,
तो मध्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग और पंच उदंबर फल त्याग, तो चार हो गए। अब चार एक्स्ट्रा मिल गए, तो चार एक्स्ट्रा के अंदर क्या क्या होगा? नित्य देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग, बिना चने जल का त्याग और जीव दया, इन चार बातों को और शामिल कर लिया तो ये आठ हो गए। ये श्रावक के लिए अष्ट मूल गुण हो गए। तो कहीं मूल गुणों में शामिल कर लेते हैं इसको, कहीं पांच अणुव्रतों में शामिल कर लेते हैं। अणुव्रतों में कहां गर्भित करेंगे? अहिंसाणुव्रत में, कि भैया अहिंसाणुव्रत का पालन करना है, अणुव्रती है साहब, तो रात्रि भोजन नहीं कर सकते आप। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातोश्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मी, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान।